हेलो दोस्त, एल पी सी बी टी टू वीडियो नंबर 9 और बी एस पी एच सी एल बिहार इलेक्ट्रिसिटी पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का है। इसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है, जिसमें हम टोटल 9 क्वेश्चन की बात करेंगे और 9 के 9 एम सी क्यू होगा। और सारा ये बेसिक इलेक्ट्रिकल से रेजिस्टेंस वाला टॉपिक से है, सीरियल सीरियल कह सकते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, प्लस उससे रिलेटेड है। तो एक बार आपको प्रश्न दिखा दूं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 16 है, 17, 18, उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो हमने पहले वीडियो में 1 से लेकर 15 तक बात किया था, उसमें न्यूमेरिकल 4 ही थे, लेकिन इसमें करीब करीब 9 के 9 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको थोड़ी सी प्रश्न में डील करने में टाइम लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। प्रश्न संख्या 16 है, जिसको 16 कह सकते हैं, हिंदी में मैं बोल देता हूँ। ये सर्किट है जिसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस 5 ओम के रेजिस्टेंस से सीरीज में जुड़ा हुआ है और उसमें 2 एम्पियर धारा फ्लो हो रहा है। तो वोल्टेज पता करना है, उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होती है। तो यहाँ आपको सबसे पहले सीरीज वाला पता ही है, सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है तो R1 प्लस R2 होगा, और यहाँ R1 10 है और R2 5 है, तो ये कह सकते हैं 15 ओम का रेजिस्टेंस है। और करंट की वैल्यू I की वैल्यू यहाँ कह सकते हैं 2 एम्पियर है और R आपका 15 ओम है, तो V बराबर सिंपल सा है, IR होता है। तो यहाँ पे आप 15 × 2 करेंगे तो सिंपल सी आपका जवाब 30 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार यहाँ आंसर आपको पहले मैं बता दूँ, सी है, आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन कई बार प्रॉब्लम यहाँ होता है कि 2 को मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में कर देंगे, उस समय यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यूनिट का ध्यान रखिएगा, यहाँ एम्पियर है तो सिंपल है, अगर माइक्रो में होता तो ये 30 वोल्ट से और कम हो जाता। तो इस तरह से टॉपिक आपको देखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है, लाइट बल्ब, बिजली का बल्ब है वो 120 मिली एम्पियर, देख सकते हैं यहाँ 2 एम्पियर था, यहाँ मिली एम्पियर में है। तो कहीं भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले इसे हाईलाइट कर लीजिए। तो 120 मिली एम्पियर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, कितने वोल्ट में, 220 वोल्ट में। तो रेजिस्टेंस ऑफ लाइट बल्ब का निकालना है। तो कई लोग क्या करते हैं, इसे सब लोग को पता है, आर बराबर वी बटा आई, वी के वैल्यू इन्होंने दे रखा है 240 और आई का वैल्यू दे रखा है 120 मिली एम्पियर को ध्यान नहीं देते, सीधा इसे कटिंग करते हैं और लिख देते हैं 2 एम्पियर या 2 ओम्स, आर का वैल्यू है 2 ओम्स। तो यहाँ ऑप्शन में आपको मिलेगा, आपने राइट क्लिक करके आएंगे और सब लोग को कहेंगे कि मैंने सही किया है, लेकिन आपने गलत किया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10^-3 है और 2 में -3 को ऊपर ले जाएंगे तो 10^3 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2 किलो ओम कह सकते हैं या 2000 ओम कह सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, 2000 ओम। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर डी है और 2 गलत है। उसके बाद रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड इन कंसिस्टेंट, 2 ब्रांच में रेजिस्टेंस है, उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम। ध्यान दीजिएगा, R इक्विवेलेंट 12 ओम दिया हुआ है, इसको समझिएगा पहले। और एक रेजिस्टेंस की ब्रांच की वैल्यू के दिया हुआ है 18 ओम, यानी R1 दिया हुआ है 18 ओम। पूछ रहा है कि R2 का वैल्यू क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल के लिए आपने फॉर्मूला जानते ही है, R इक्विवेलेंट बराबर R1/R1 प्लस 1/R2। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसमें वैल्यू अगर रख देते हैं तो आपका वैल्यू आएगा 1/ इक्विवेलेंट कितना है 12 बराबर 1/18 माइनस 1/ प्लस 1/R1 और R2, R1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 18 ओम। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस प्लस साइन हो जाएगा माइनस में, और 12 इधर आ जाएगा, R2 यहाँ चला जाएगा आपके पास। और इसे एलसीएम में आप लेना चाहेंगे तो एलसीएम
18 और 12 का एलसीएम 36 हो जाएगा, और यहाँ 2 माइनस कर सकते हैं, 18 दूने 36, यहाँ 12 यहाँ आएगा, सॉरी इसको मैं मिसकैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि 12 इक्विवेलेंट में है, वो इक्विवेलेंट माइनस आ जाएगा 81, तो 12 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, 12 3 36 और 2, कह सकते हैं कि 1/36 और आर टू बराबर क्या आ जाएगा 36 ओम, तो 36 ओम में आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में अवेलेबल है। तो इस टाइप से आपको प्रश्न करना है, जो कंसेप्ट है उसी को करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, कह रहा है कि चार वायर सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन एरिया और सेम लंबाई बराबर एक ही टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, उसकी मोटाई भी उतना ही है लंबाई भी उतना ही है, तो इनको पैरेलल में कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस 0.5 ओम होती है। तो पैरेलल आप अगर चार रेजिस्टेंस, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, चार रेजिस्टेंस अगर कहीं पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपका सर्किट इस तरह से बनेगा, और इधर से आप जो वोल्टेज है वो अप्लाई करेंगे। तो ये आर इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, ये कह रहा है 0.25 ओम है। तो ध्यान दीजिए, पैरेलल में सारे चीज बराबर होता है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, सिंपल सी बात है, उससे गुना हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट से ज़्यादा होता है एक की वैल्यू। तो 0.2 अगर दिया हुआ है और इसे अगर चार है यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो इसको चार से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम होती है। तो लोग यहाँ 1 ओम का आंसर करके आएंगे, जो गलत है, क्योंकि इससे आगे भी इसमें प्रश्न है, इफ़ सेम 4 वायर कनेक्टेड इन सीरीज इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर उसी वायर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो 4 ओम अगर R1, R2, R3, R4 सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, एक गुना चार कह सकते हैं, या 1+1+1+1 बराबर क्या कह सकते हैं, 4 ओम हो जाएगा। तो आंसर देखिए यहाँ पे राइट है डी 4 ओम। तो कंसेप्ट सही होना चाहिए, प्रश्न आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी रहते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है, एक करंट 16 एम्पीयर डिवाइडेड बिटवीन टू नंबर ऑफ ब्रांच इन पैरेलल रजिस्टर, एक 8 ओम है दूसरा 12 ओम है, तो ईच ब्रांच में कितना करंट होगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि इसमें आपको आंसर देखने की कोई ज़रूरत ऐसे ही मिल गया है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि जिस रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होता है। ध्यान दीजिएगा, करंट हमेशा शॉर्टेस्ट या सबसे कम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस से ज़्यादा फ्लो होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले 9.6 एक ही में है, सी में है, बाकी में सब में पहले कम है बाद में ज़्यादा है। तो आपका आंसर मिल गया, फिर भी हमें इसे कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम इसे सिंपल सी एक सर्किट बनाना पड़ेगा आपको। तो सर्किट अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का सर्किट होगा, सॉरी इस टाइप का सर्किट होगा, और इस सर्किट में ये दिया हुआ है R1 का मान दिया हुआ है और R2 का दिया हुआ है। तो R1 8 ओम है, R2 आपका 12 ओम है, और अभी यहाँ कैलकुलेट करना है आपको कि करंट कितना होगा। तो करंट डिवीजन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, और करंट डिवीजन में अगर डिवीजन के फॉर्मूला होगा, पैरेलल है, सॉरी ये पैरेलल में कनेक्टेड है, मैं सीरीज में कर दिया, इसको मैं दोबारा से यहाँ कर देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्ट होंगे, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, और इस तरह से कनेक्ट होंगे, ये ब्रांच आगे नहीं है। ये R2 का वैल्यू 12 ओम है, R1 का वैल्यू 8 ओम है, टोटल सर्किट में करंट 16 एम्पियर है, जिसको I बोल सकते हैं। प्रश्न आप एक बार फिर देख सकते हैं, 16 एम्पियर करंट है, तो इसे I बोल सकते हैं, और इसे अगर बोल सकते हैं करंट डिवीजन में, तो I1 आ जाएगा, और यहाँ पे इसे I2 कह सकते हैं। तो I1 आकर आपको निकालना है, तो I1 का करंट डिवीजन फॉर्मूला होता है, I1 निकालेंगे तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस 12 ओम यानी R2 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितनी भी रहे, R1+R2, अगर यहाँ और रेजिस्टेंस रहता तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हम लिखते हैं, यहाँ पे भी R इक्विवेलेंट लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय I, गुना में हम I लिखते हैं, ये फॉर्मूला है। तो R2 आपके पास 12 दिया हुआ है,
एट आर वन है, एट 12 R2 है और करंट कितने हैं 16 एम्पियर। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 12/20 आ जाएगा और यहाँ पे गुना में 16 आ जाएगा। अब इसे 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा, बच्चे 48/5 और इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 9.6, 9 × 5 = 45 और 6 × 5 = 30, 3 = 48। तो 9.6 एम्पियर कहाँ से फ्लो करेगा, इस 8 ओम रेजिस्टेंस से 9.6 फ्लो कर गया। तो दूसरे में कितना हो गया, 16 − 9.6, तो ये कितना आ जाएगा, 6.4। तो देख सकते हैं पहला आपका 9.6 एम्पियर, दूसरा 6.4 एम्पियर, ये करंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपके लिए सी ऑप्शन था जो मैंने बता दिया, कम रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट, ज़्यादा रेजिस्टेंस कम फ्लो इन पैरेलल में। अगर सीरीज में होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सीरीज में करंट का डिवीजन नहीं होता, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, कम रेजिस्टेंस से कम रहे होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ 1500 ओम की रजिस्टर की ज़रूरत है, रजिस्टर ध्यान दीजिएगा रेजिस्टेंस कह सकते हैं, लैब में है, आईटीआई लैब में है या कहीं भी काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 1500 ओम का रेजिस्टेंस या नहीं है या रजिस्टर नहीं है, लेकिन 100 ओम के बहुत सारे रजिस्टर लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपको काम करना है। तो ये भी सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, तो ध्यान दीजिए 1500 के लिए आपको कितना चाहिए, 1000 ओम प्लस 500 ओम अगर करते हैं तो आपका 1500 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। और ये 500 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तो दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, 500 आ जाएगा, और दोनों पैरेलल के एक सीरीज में लगा देंगे तो आपकी रेजिस्टेंस की काम हो जाएगी। तो इसे कह सकते हैं आपने 1000 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, और इसके बाद यहाँ से आप दो ब्रांच निकाल सकते हैं, और एक ब्रांच में आपने लगा दिया 1000 ओम यहाँ पे, और दूसरे ब्रांच में आपने लगा दिया 1000 ओम का रेजिस्टेंस, और ये सर्किट में इस तरह से लगा दिया, यहाँ से इंट्री वोल्टेज क्या है, तो 1000 यहाँ से 1000 ओम प्लस ये 1000 का 500 ओम हो जाएगा, यानी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1500 ओम हो जाएगा। तो इस टाइप से प्रश्न को आपको प्रैक्टिस करना होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 22 है, सीरीज सर्किट विथ अनइक्वल रेजिस्टेंस, एक सीरीज सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टेंस या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस अनइक्वल है, जैसे यहाँ पे 800 ओम है और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1000 ओम है या 1 किलो ओम है, तो इस सर्किट में क्या हो सकता है निम्नलिखित से, पहला कह रहा है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज बी मोस्ट करेंट थ्रो दी इट। देखिए सबसे पहले सीरीज सर्किट की हमने बात किया है, तो सीरीज सर्किट में करेंट हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, केवल वोल्टेज ड्रॉप चेंज होता है, वी डी अक्रॉस रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज बी हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप, हमने बताया था सीरीज में जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, जो 1000 ओम का रेजिस्टेंस 800 ओम के रेजिस्टेंस से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, क्योंकि करेंट यहाँ पे इक्वल है, और इसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं तो वी बराबर आई आर, अब वी सेम है आई सेम है, जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें ज़्यादा ड्रॉप होगा, सिंपल सी। उसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 23 है, टू रेजिस्टेंस आर शेड बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन, कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, कब कह सकते हैं, सम ऑफ आईआर ड्रॉप इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ, जी नहीं, दोनों में सम का नहीं हो सकता, बोथ कैरिंग करेंट सेम वैल्यू नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा करंट फॉलो हो सकता है, लेकिन सर्किट का इक्वल आई कांस्टेंट रहता है, इसलिए सेम वैल्यू दोनों में हो नहीं सकता, लेकिन सर्किट में सेम रहता है। उसके बाद टोटल करंट इक्वल टू सम ऑफ ब्रांच, ये भी नहीं होता, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका है सेम करंट पास थ्रो बोथ, दोनों के द्वारा 800 ओम और 1000 ओम में करंट बराबर फ्लो होगा। उसके बाद कह रहा है लास्ट है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
सही है, बोथ सीरीज एंड पैरेलल एंड डीसी सर्किट, अगर सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट है तो दोनों के लिए क्या ट्रू है? तो यहाँ कह रहा है एलिमेंट है जो इंडिविजुअल करेंट, कोई जरूरी नहीं है, करेंट आर एडिटिव, करेंट को जोड़ सकते हैं सीरीज में और पैरेलल में, सीरीज में आप करेंट जोड़ सकते हैं लेकिन पैरेलल में करेंट नहीं जोड़ सकते, ध्यान दीजिएगा एडिटिव नहीं होता है वो, आपका करेंट डिवीजन फार्मूला हमने अभी ही पढ़ा है, करेंट डिवीजन फार्मूला लगता है, यानी दूसरा भी नहीं होगा पहला भी नहीं होगा। वोल्टेज आर एडिटिव, देखिए वोल्टेज एडिटिव होता है सीरीज में लेकिन पैरेलल में वोल्टेज एडिटिव नहीं होता, तो ये कंडीशन में यस है दूसरे कंडीशन में नहीं है, लेकिन पावर इज एडिटिव, ऑल कंडीशन अगर माने तो सभी कंडीशन में पावर एडिटिव होगा, तो राइट आंसर डी है। तो इस टाइप के टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आप कंसेप्ट से करेंगे तो प्रश्न हो जाएगा, नहीं तो आप उल्टे करके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।